अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल ऑफ ग्राफिक एकेडमी। आज के Adobe Illustrator के ट्यूटोरियल में हम बनाएंगे एक वेबसाइट लैंडिंग पेज। बेसिकली ये लैंडिंग पेज मेरे क्लाइंट का है, जो रिसेंटली मैंने अपने क्लाइंट के लिए डिज़ाइन किया है। उसकी परमिशन से मैं अपनी वीडियो में यूज़ कर रहा हूँ। और वेबसाइट लैंडिंग पेज डिज़ाइन करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी टिप देना चाहूँगा। अगर आप किसी भी टाइप का इशू आता हो अपने डिज़ाइन बनाने में या अपने ट्यूटोरियल्स बनाने में, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पे या फिर कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं बहुत जल्दी रिप्लाई करता हूँ गाइस। और अगर आप किसी भी टाइप का ब्रांड डिज़ाइन करवाना चाहते हैं, लो बजट में, हाई बजट में, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने अपने सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करवानी हो अपने बिजनेस को रन करने के लिए, या फिर आपने अपने YouTube चैनल के थंबनेल्स, YouTube चैनल के लोगो, इवन किसी भी टाइप का अपना लोगो डिज़ाइन करवाना हो, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट इजीली कर सकते हैं। आप लोगों के लिए मैं एनी टाइम अवेलेबल हूँ। मेरे पेज पे आपको पैकेजेस मिल जाएंगे जो कि बहुत ही लो बजट के मैंने पैकेजेस रखे हुए हैं, ताकि हर कोई उसे अफोर्ड कर सके। अगर आपने बहुत बड़ा ब्रांड डिज़ाइन करवाना है तो आप उसके लिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन करके आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। तो चलाइए आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस ऑब्वियसली हम वेबसाइट के लिए काम कर रहे हैं, तो हमने वेब पे क्लिक करना है और जो हमने साइज लेना है वो लेना है 1024x768 पिक्सल्स। और यहाँ से सिर्फ हम क्रिएट पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ से आप रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर लें और एक रेक्टेंगल हम यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे अपने आर्ट बोर्ड पे। तो गाइस चलाइए हम यहाँ पे अपना ले आते हैं ऑब्जेक्ट। इसको हम करेंगे यहाँ से एम्बेड। इसका साइज हम कर लेंगे थोड़ा सा छोटा, इसका साइज हम करेंगे थोड़ा सा और छोटा, और इसको हम रख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ साइड पे। यहाँ से आप रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करें और शिफ्ट की होल्ड रख के एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें और इसके कॉर्नर्स कर लें यहाँ से राउंड। शिफ्ट की होल्ड रख के इसको हम यहाँ से रोटेट कर लेंगे। इसको मैं थोड़ा सा साइड पर कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को शो हो कि हम क्या कर रहे हैं। ओके, इसका कलर मैं थोड़ी देर के लिए चेंज कर देता हूँ। नाउ इसके कॉर्नर हम थोड़े से ऑल राउंड कर लेंगे। ऑल्ट की होल्ड रख के इसकी एक कॉपी जनरेट कर लें थोड़े से डिस्टेंस पे, और ऑल्ट की होल्ड रख के इसकी एक और कॉपी जनरेट करके ऊपर ले आए। ऑल्ट की होल्ड रख के इसकी एक और कॉपी जनरेट करके यहाँ पे नीचे ले आए। उनको थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं, इसको भी थोड़ा सा और नीचे ले आते हैं। चारों को गाइस नीचे वाले बॉक्स को सबसे पहले करते हैं लॉक। कंट्रोल टू इसकी शॉर्ट की है, ये याद रखिएगा। ओके, ताकि इन चारों को सिलेक्ट करें और इनको हम थोड़ा सा इनका साइज हम कर लेते हैं इंक्रीज। ऑब्वियसली इन पर राइट क्लिक करें और अरेंज एंड ब्रिंग टू फ्रंट, और अपने पिक्चर पे क्लिक करें और इसके बिल्कुल बैक पे लें। ताकि इन चारों को हम कर लेते हैं फिर से सिलेक्ट, राइट क्लिक करके इसको हम कर देंगे मेक कंपाउंड पाथ, और पिक्चर का साइज हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ये पिक्चर आपको इजीली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। मुझे बहुत सारे फेसबुक पे मैसेजेस आ रहे होते हैं मेरे पेज पे कि सर वो जो आपने वीडियो में पिक्चर यूज़ की है हमें वो प्रोवाइड कर दें, तो काइंडली वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लिया करें यार, वहाँ भी मैंने प्रोवाइड की होती है आप लोगों को, वो भी चेक कर लिया करें। इन दोनों को सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क। तो गाइस ये ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमारी पिक्चर क्लिप हो जाएगी। अब हम इस पिक्चर को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, डबल क्लिक करें और इसको हम करेंगे थोड़ा सा एडजस्ट। ऑब्वियसली गाइस इसको सिलेक्ट करें और इस पर हम लगाते हैं ड्रॉप शैडो स्टाइलाइज, और यहाँ से आप ड्रॉप शैडो पे आ जाएं और प्रीव्यू ऑन कर लें और यहाँ से आप कर दें ओके। ये देखिए मैंने 65 पेस्टी रख दिया। इसका एक्स ऑफसेट पाथ जो है वो 4 पिक्सल्स है, और वाई ऑफसेट पाथ जो है वो 10 पिक्सल है, और जो ब्लर मैंने यूज़ किया वो है 11 पिक्सल। ओके, और यहाँ से ओके पे क्लिक कर दें। नाउ गाइस अब यहाँ पे हम थोड़ी सी क्रिएटिविटी ऐड कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ से मैं लूंगा पेन टूल सेलेक्ट कर लूंगा मैं यहाँ से, और यहाँ पर हम एक शेप क्रिएट करते हैं। नाउ गाइज हमने यहाँ पे जो कलर यूज करना है तो हम ट्राई करेंगे वो अपने आर्ट वर्क में से ही ले लें। तो यहाँ से मैं इसकी ड्रेस का कलर है वो चूज कर लूंगा। नाउ अभी ये हमने क्लिपिंग मास्क कर दिया तो इसमें से हम कलर तो पिक नहीं कर सकते, उसके लिए मैं एक मरतब फिर से ये पिक्चर यूज कर लूंगा अपनी कलर स्कीम बनाने के लिए।
तो यहाँ से मैं इस पिक्चर को यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ। इसका साइज हम करेंगे यहाँ से थोड़ा सा छोटा और इस पर सिलेक्ट करके यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे आई ड्रॉपर टूल और यहाँ से हम ये वाला कलर चूज कर लेंगे। ओके, इसको हम कर देंगे डल। फिर से आप पेन टूल सिलेक्ट कर लें, यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। नाउ इसको रखें यहाँ से स्ट्रोक पे और इसकी स्ट्रोक हम कर देंगे इंक्रीज 6 pixels। इसकी स्ट्रोक हम कर देंगे यहाँ से 6 pt और इस पर क्लिक करें और यहाँ से स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करके इसको हम कर देंगे कॉर्नर्स डाउन। गाइस अब हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे होम सर्विसेज अबाउट, जो कि एक वेबसाइट के लैंडिंग पेज पे जरूरी होती है। यहाँ से लेके हम टाइप टूल, जिसके लिए आप कीबोर्ड से टी भी प्रेस कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे आकर टाइप टूल सिलेक्ट करें और यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे। फिर से आप टाइप टूल सिलेक्ट करें और यहाँ पर हम टाइप करेंगे जो आपको क्लाइंट प्रोवाइड करेगा। आपने वो नेम ऐड करना है, या मैं आपको डेमो के लिए बना के दिखा रहा हूँ या यूअर लोगो मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको पता लगे कि आप यहाँ पे अपना क्लाइंट का नेम लिखेंगे या फिर आप अगर अपनी वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं इसके लैंडिंग पेज डिजाइन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे वो टाइप करें जो आपने नेम सोचा हुआ होगा। ओके, यहाँ से आप कीबोर्ड से एम्प्रेस कर लें। ये देखिए यहाँ पे आपको शो हुआ, मैंने एम्प्रेस की है। शिफ्ट की भी होल्ड रख के एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें, इसको लें यहाँ से स्ट्रोक पे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम यहाँ से कर देते हैं कलर चेंज। कीबोर्ड से मैंने आई प्रेस किया, आई ड्रॉपर टूल आ गया और यहाँ से मैं कलर ये वाला चूज कर लूंगा और यहाँ से इसको इन्वर्स करेंगे स्ट्रोक पे और इसकी स्ट्रोक हम कर देंगे इंक्रीज। यहाँ से इसके कॉर्नर्स करेंगे राउंड। शिफ्ट की होल्ड रख के इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे। नाउ आर्ट की होल्ड रख के इसी की कॉपी लें एक और इन दोनों को सिलेक्ट करके हम कर लेंगे इक्वल ये लाइन। इन दोनों को सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट पाथ एंड आउटलाइन स्ट्रोक, ये एक पाथ में क्रिएट हो जाएगा और थोड़ा सा इसका साइज हम करेंगे छोटा। इन दोनों को सिलेक्ट करें, कंट्रोल जी से कर लें ग्रुप। यहाँ से इसका साइज रख लेंगे हम 18। इन दोनों को सिलेक्ट करें और एक मतलब फिर से इसका सिलेक्ट करेंगे, ये हाईलाइट हो जाएगा और इसको हम करेंगे अलाइन। इसको सिलेक्ट करके हम शिफ्ट और राइट एरो की से थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे। ये जो टेक्स्ट है यहाँ से हम ले लेंगे मेट्रोपोलिस, मेट्रोपोलिस का हम ले लेंगे यहाँ से मीडियम वर्जन। इनका टेक्स्ट भी हम सेम ले लेंगे मेट्रोपोलिस। नाउ कीबोर्ड से फिर से टी प्रेस करें, टाइप टूल आ जाएगा और यहाँ पे हम टाइप करेंगे अपनी हेडलाइन और इसका हम वर्जन ले लेंगे यहाँ से एक्स्ट्रा बोल्ड और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके हम लेंगे रेगुलर। इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ से कर लेंगे 200। ये इसके इक्वली नहीं आ रहा तो इसको हम इसके इक्वली कर लेते हैं, एक मतलब फिर से सिलेक्ट करेंगे। गाइस हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 250। नाउ ये इसके इक्वली आ गए। यहाँ से आप टाइप टूल सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे हम एक पैराग्राफ की शेप में थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड कर लें। गाइस फिर से हम टाइप टूल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे रीड मोड और इसको हम यहाँ से कर लेंगे सेमी बोल्ड। इसका साइज ऑब्वियसली हम करेंगे 24। यहाँ से आप पॉलीगॉन टूल सेलेक्ट करें और एक पॉलीगॉन शिफ्ट की होल्ड रखी ड्रॉ कर लें। इधर से 3 dots पे क्लिक करेंगे आप और यहाँ से हम इसको कर देंगे 3 पे। ओके, इसके कॉर्नर हम कर देंगे थोड़े से राउंड और इसको हम कर लेंगे थोड़ा सा रोटेट। गाइस यहाँ से आप रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करें फिर से और यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल करेंगे ड्रॉ। कीबोर्ड से आई प्रेस करें और इसको हम ये वाला कलर दे देते हैं और ऑल्ट की होल्ड रख के इसी की कॉपी जनरेट करेंगे और इसको हम दे देंगे यहाँ से वाइट कलर। ऑब्वियसली इसके स्ट्रोक करेंगे नन, इस वाइट वाले पे लगाएंगे हम ड्रॉप शैडो
स्टाइलाइज ड्रॉप शेडो। अब जो ड्रॉप शेडो लिया है वो 40, उसकी ओपेसिटी है 5 पिक्सल, 6 पिक्सल एंड 5 पिक्सल। प्रीव्यू ऑन करें, ये आपको दिखा देगा आपका ड्रॉप शेडो किस तरह से अप्लाई होगा। और यहाँ से ओके पे क्लिक कर दें, इससे टाइप टूल सेलेक्ट करें और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे, उनको सिलेक्ट करके हम कर लेंगे कंट्रोल जी से ग्रुप। गाइस यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं अपनी सर्च वाले आइकन्स। चलो आइए हम आइकन यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं, इसको यहाँ से करें एम्बेड और इसका साइज हम कर देंगे थोड़ा सा छोटा। कीबोर्ड से एम प्रेस करें और यहाँ पर एक छोटा सा रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें। ऑल्ट की होल्ड रख के इसको जूम करें और इसको हम इसके कॉर्नर्स कर लेंगे यहाँ से राउंड। ऑल्ट की होल्ड रख के इसी की कॉपी जनरेट करें थोड़ा से डिस्टेंस पे, तो कंट्रोल डी से एक और डुप्लीकेट हम यहाँ पे ले लेंगे और इसकी हाइट हम थोड़ी सी कर देंगे कम। ऑब्वियसली इन तीनों को सिलेक्ट करें, इसको कर ले कंट्रोल जी से ग्रुप और शिफ्ट की होल्ड रख के इसको सिलेक्ट करें और इसके इक्वली हम कर लेते हैं इसको अलाइन। इन दोनों को कर ले कंट्रोल जी से ग्रुप। नाउ कीबोर्ड से एल प्रेस कर ले या फिर आप यहाँ से आके एलिप्स टूल सिलेक्ट कर सकते हैं जिसकी शॉर्ट की एल है। और यहाँ पर हम एक छोटा सा सर्कल करेंगे, शिफ्ट की होल्ड रख के ड्रॉप, इस पर राइट क्लिक करें ट्रांसफॉर्म एंड ईच ट्रांसफॉर्म। यहाँ पर हम प्रीव्यू ऑन कर लेंगे और 10 के बजाय हम यहाँ पर कर लेते हैं 5 पिक्सल कॉपी और कंट्रोल डी से इसकी 4 कॉपियाँ जनरेट करें। इस सारे को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म एंड ईच ट्रांसफॉर्म, यहाँ से इसको आप कर दें 0 और नीचे वाले को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 5। प्रीव्यू ऑन करें, कॉपी एंड कंट्रोल डी से 3, 4, 5 एंड 6। सारे को सिलेक्ट करें और कंट्रोल जी से कर लें ग्रुप। गाइस यहाँ से फिर से हम सिलेक्ट करेंगे पॉलीगॉन टूल और एक शिफ्ट की होल्ड रख के ड्रॉ करेंगे पॉलीगॉन। और यहाँ से हम इसको कर लेंगे थोड़ा सा राउंड, इसको हम करेंगे यहाँ से स्ट्रोक पे, ऑब्वियसली इसके स्ट्रोक हम कर देंगे 2, 3 और इसको आप ले उठा के यहाँ पर ऑल्ट की होल्ड रख के इसकी कॉपी जनरेट करें और इसको आते हैं यहाँ पे, इसको हम साइज करेंगे थोड़ा सा छोटा। गाइस ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा और ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी ऐड कर लेते हैं बिकॉज बहुत खाली खाली लग रहा है यार। और यहाँ पर जब मैं ऑब्जेक्ट ऐड करूँगा वो मैं लूँगा अपने वो जो मैंने ब्रांड गाइडलाइन सीरीज स्टार्ट की थी उसके अंदर जो मैंने लेटर हेड डिज़ाइन किया था उसी में से मैं वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे लाके ऐड करूँगा। और अगर अभी तक आपने मेरी ब्रांड गाइडलाइन सीरीज नहीं वॉच की जिस सीरीज में हमने पूरा एक ब्रांड डिज़ाइन किया है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में शो हो रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करके ईजिली उसको आप वॉच कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने एक ब्रांड गाइडलाइन सीरीज डिज़ाइन की। तो चलो आइए हम उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर इस पर डबल क्लिक करें और इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, हम कीबोर्ड से आई प्रेस करेंगे आई ड्रॉप टूल आ जाएगा और यहाँ से ई कलर हम चूज कर लेंगे। आई नो गाइस आपको भी बहुत ऑकवर्ड सा फील आ रहा होगा मगर देखिएगा जब इसको फाइनल टच देंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन होकर सामने आएगी। कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल ऑल्ट 2, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट हमने कंट्रोल 2 से लॉक किया था अब ये अनलॉक हो चुका है। इसका हम लगाएंगे ऑफसेट पाथ और ऑफसेट पाथ हम यहाँ से लगाएंगे -15 पिक्सल्स और प्रीव्यू ऑन कर लें और यहाँ से कर दें ओके। और साथ ही आप कीबोर्ड से प्रेस कर दें Ctrl+5, ये जो आपने ऑफसेट पाथ लगाया ये गाइड बन जाएगा। नाउ इसको अब हम करते हैं अलाइन। नाउ गाइस इसको हमने फाइनल अलाइन कर लिया है, यहाँ से राइट क्लिक करें और हाइड गाइड्स पर क्लिक कर दें, जो हमने गाइड बनाई थी ये हाइड हो जाएगी। कीबोर्ड से एम प्रेस करें रेक्टेंगल टूल की शॉर्ट की है और इसके ऊपर हम ड्रॉ कर देंगे एक रेक्टेंगल बिल्कुल अपने आर्ट बोर्ड के इक्वली। इस सारे को सिलेक्ट करें, कंट्रोल ए प्रेस कर दें या फिर आप कीबोर्ड से और राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क, कीबोर्ड से शिफ्ट और एफ प्रेस करें और इसका फुल स्क्रीन प्रीव्यू देखते हैं। तो गाइस फाइनली हमारा ये वेबसाइट लैंडिंग पेज प्रिपेयर हो चुका है और ये देखें
डिज़ाइन होगा कितना खूबसूरत सी लुक पेश कर रहा है। तो चलिए आइए इसका हम लगा के दिखाता हूँ मैं आपको मॉकअप। फाइनली गाइस हमने यहाँ पे मॉकअप भी ऐड कर दिया और देखो मॉकअप लगा के हमारा वेबसाइट लैंडिंग पेज कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आप लोगों को ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने सुना है ऐसे कैसे लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेते हैं। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें ग्राफिक अकेडमी विद उसामा का। अल्लाह हाफिज़।